दोस्तों, संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो देखने में भले ही विनीत हों लेकिन वास्तव में समृद्ध हैं, और ऐसे लोगों से भी भरा पड़ा है जो अमीर तो नजर आते हैं लेकिन दिवालिया होने की कगार पर है। और यह हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है कि जब आप दूसरों की सफलता को आंक रहे हैं तो आप खुद पर भी ध्यान दें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि रियल रिच और फेक रिच कैसे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार और आप देख रहे हैं मोटिवेशन थॉट विद विपिन। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग अमीर होते हैं। एक वो होते हैं जो केवल दिखाई देती हैं अमीर लेकिन वास्तव में वो होते नहीं है, और एक वो होते हैं जो वास्तव में अमीर होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। यदि आपको एक फेक रिच व्यक्ति बनना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक कार खरीदनी है, एक अच्छा सा घर खरीदना है, कुछ एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने हैं और कुछ ज्वेलरी खरीदनी है। ये सारी चीजें आपको एक रिचेस्ट पर्सन दिखाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यदि आपको वाकई में एक अमीर व्यक्ति बनना है तो आपको ये सारे काम नहीं करने। आपको केवल अपनी वेल्थ पर ध्यान देना है, आपको अपनी सेविंग पर ध्यान देना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है, और कुछ समय के बाद आप इससे भी ज्यादा महंगे कपड़े खरीद सकते हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद सकते हैं, एक अच्छी सी कार खरीद सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम ये रियल रिच पर्सन कहते हैं। कहते हैं कि संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन लोग महसूस करते हैं। जो वाकई में अमीर व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्तियों की वेल्थ को लोग महसूस करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग अंदर से गरीब होते हैं लेकिन केवल अमीरी दिखाने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति अंदर से बहुत गरीब होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। एक बड़े निवेशक ने एक बार कहा था कि अमीरी महसूस करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी बढ़िया चीजों पर बहुत सा पैसा खर्च करो, लेकिन अमीर बनने का तरीका यह है कि वह पैसा खर्च करो जो आपके पास है, बल्कि वो नहीं जो आपके पास नहीं है। ठीक इसका उल्टा फेक रिच लोग करते हैं। वे लोग दिखाने के लिए ऐसी ऐसी महंगी चीजें खरीदते हैं, ऐसी कॉस्टली चीजों को खरीदते हैं, और वो पैसा जो उनके पास नहीं है वो पैसा वो खर्च कर देते हैं। वे लोन के सहारे, क्रेडिट कार्ड के सहारे कॉस्टली चीजों को खरीदते हैं लोगों को दिखाने। ऐसे लोगों को फेक रिच कहा जाता है, नकली अमीर व्यक्ति कहा जाता है। और असली अमीर वो व्यक्ति है जो अपने वेल्थ पर, जो अपनी सेविंग और जो अपनी इन्वेस्टिंग पर ध्यान दे। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो दोस्त जिनका एक का नाम राहुल एक का नाम रॉकी है। राहुल के पास 20 लाख रुपए की सेविंग है और रॉकी के पास भी सेम 20 लाख रुपए की सेविंग। राहुल उस 20 लाख रुपए में एक लग्जरी कार खरीदता है और कुछ एक्सपेंसिव कपड़े खरीदता है और लोगों को दिखाने के लिए बड़े ही ठाट बाट से रहता है। दूसरी तरफ रॉकी है, रॉकी के पास भी 20 लाख रुपए की सेविंग है, बट वह उस 20 लाख रुपए से 4 टैक्सी खरीदता है। उन चारों टैक्सियों को वह रेंट पर दे देता है और लगभग 2 लाख के समथिंग मंथली रेंट उसका आता है। एक दिन जब दोनों दोस्त एक साथ मिलते हैं तो वे अपने बारे में बता रहे हो। जब रॉकी राहुल से पूछता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तो राहुल कहता है मैंने अभी रिसेंटली एक नई कार खरीदी है और मेरी जिंदगी बड़े मजे से कट गई है। वहीं रॉकी से जब राहुल पूछता है तो रॉकी कहता है कि मेरे पास भी 20 लाख रुपए की सेविंग थी, बट मैंने उस 20 लाख रुपए से 4 टैक्सी खरीदी, उन चारों टैक्सियों को मैंने रेंट पर दे दिया और लगभग मुझे 2 लाख रुपए की समथिंग मंथली रेंट आता है। अब दोस्तों सोचकर देखें, दोनों के पास सेम पैसा था लेकिन उसके बाद भी यदि हम प्रेजेंट में देखें तो राहुल एक रिचेस्ट पर्सन दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके पास एक 20 लाख रुपए की एक लग्जरी कार है। जबकि यदि हम रॉकी की बात करें तो रॉकी के पास ऐसा कुछ नहीं है, बट इन फ्यूचर वह कुछ समय बाद इससे भी बड़ी कार अफोर्ड कर सकता है, इससे भी बड़ी कार खरीद सकता है, क्योंकि उसने सबसे पहले पैसे को लायबिलिटीज में नहीं लगाया, पैसे से असेट्स को खरीदा, और उस असेट से वह इन फ्यूचर अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, अपनी सेविंग को बढ़ा सकता है। यदि हम देखें, राहुल एक फेक रिच पर्सन है और जबकि रॉकी एक रियल रिच पर्सन है। इस तरह से नकली अमीर और असली अमीर लोगों को हम देख सकते हैं। दोस्तों, और आप किस तरह से अपने पैसे का यूज करते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।